हेलो फ्रेंड्स, तो वीक एंड के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हम वापस से एम स्टॉक के चार्ट यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें कर लेते हैं। लास्ट 2 से 3 वीक से मैं आप लोग के साथ बुलिश एनालिसिस शेयर करते आ रहा हूं। जब मार्केट्स गिर रहे थे या अनस्टेबल थे तब मैंने आप लोग के साथ बुलिश एनालिसिस शेयर करना शुरू की थी। एंड लास्ट 2-3 वीक्स में आप देखोगे धीरे धीरे हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए हम ऊपर ही जाते हुए देख रहे हैं मार्केट को। तो अब इसमें निफ्टी में और आगे क्या दिखता है उसकी बातें करते हैं दोस्तों। तो निफ्टी में मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब ये जो अब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इस टाइप से कुछ चल रहा था। अब एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है और ये जो कुछ गैप्स है वो भी शायद भर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, एक अच्छा करेक्टिव मूव आता है, तो कमिंग वीक में वैसे भी ट्रेडिंग डेज तो बहुत कम होंगे, छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं, बट देन एनीवेज अगर ये गैप फिल होता है और निफ्टी अगर 17,400 से 350 के बीच में अगर कोई रिवर्सल लेता है तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। और फिर हम और हायर लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। और अगर नीचे गिरते गिरते कोई रिवर्सल नहीं आता और ये लेवल 350 के लेवल्स ब्रेक कर देता है तो फिर हमारी एनालिसिस वापस से हम रीचेक करेंगे। लेकिन अगर इसके इस लेवल के अंदर आके यहाँ से बाउंस देता है तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। एंड बैंक निफ्टी की दोस्तों अगर मैं बातें करूँ तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी में मैं आप लोग को पिछले 2 वीक से बोलते आ रहा हूँ कि निफ्टी से ज़्यादा अच्छा बैंक निफ्टी चलेगा, बैंक निफ्टी विल बी द आउट परफॉर्मर। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। और अगर आज भी आप देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था ओपनिंग के बाद, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमने आउट परफॉर्मेंस देखी है। इधर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.7% पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था। सो एनीवेज बैंक निफ्टी वॉज आउट परफॉर्मर। अब जो एक्सपेक्टेशन है आगे की वो हम बात करते हैं। तो आगे की एक्सपेक्टेशन में दोस्तों इसमें भी जिस टाइप से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स होने चाहिए जो कि 40,000 के लेवल्स है, उसमें 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे। तो अगर कोई डिप मिलता है और ये 40,000 के लेवल्स के आसपास से रिवर्सल आता है तो इट कैन बी अ वेरी गुड एंट्री। और यहाँ से हम अपने स्टॉप लॉसेस फिर स्विंग लो के नीचे रख के और अच्छे ऊपर की तरफ के टारगेट आते हुए देख सकते हैं कमिंग वीक में। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है डायरेक्टली डिसाइसिवली तो फिर हम वापस से हमारे एनालिसिस रीचेक करेंगे, नेक्स्ट वीक देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। सो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास कोई अगर रिवर्सल मिलता है, सपोर्ट एरिया है, तो उधर से हम रिवर्सल कमिंग वीक में देख सकते हैं। वैसे भी ट्रेडिंग डेज जैसे मैं आपको बताया कमिंग वीक में कम है, इसके लिए थोड़ा सा ट्रेडिंग की क्वांटिटी भी आप कम रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन में कहीं आप फंस नहीं जाओ। तो एनीवेज अब दूसरे एक स्टॉक की बात करते हैं जो कि है एक्सिस बैंक। और अगर आपको लास्ट वीक याद हो तो एक्सिस बैंक के लिए मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो लास्ट वीक भी हमने एनालिसिस किया था जब एक्सिस बैंक इधर था, मैं आपको बताया था कि मेरा व्यू उसमें बुलिश है और इसमें भी ये जो ऊपर के जो टॉप से न्यू हाईज हम आता हुआ देख सकते हैं। और एग्जैक्टली आज एक न्यू हाई रजिस्टर भी हुआ है एक्सिस बैंक का, जो कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस साल का ये एक न्यू हाई रजिस्टर हुआ है। ये जो रेंज है, जो लेवल्स हैं, ये ब्रेकआउट होने वाले हैं। तो ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेगा और ब्रेकआउट करके जो उसके लाइफ टाइम हाईज हैं ऑलमोस्ट 860-66 के आसपास, वहां तक भी हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो एग्जैक्टली गाइज, फिर हमने जिस टाइप से बातें की थी कि ये जो कुछ लेवल्स थे जो एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहे थे डेली के चार्ट्स पे, ये होल्ड नहीं करने वाले हैं। और जब ये मैंने एनालिसिस आप लोग के शेयर की थी तब हम इधर थे, जबकि एग्जैक्ट रेसिस्टेंस एरिया पे आप देखोगे तो ये रेड कैंडल भी प्लॉट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर गए ब्रेकआउट, और आज बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के बाद भी हम ऊपर और गए। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस जो एक्चुअली करने में मजा आती है। तो एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न कि आप कैसे ऐसी एनालिसिस कर सकते हो तो मेरी वेबसाइट trendtradercurrent.com पे फ्री वेबिनार भी है, आप उसको जाके देख सकते हो, उसमें से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा गाइस। सो एनीवेज ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था और इसके बाद ये यहाँ पे आज ये जो बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखी है, अब क्या दिख रहा है आगे। तो अब अगर कोई, क्योंकि इतना अच्छा मूव आ चुका है तो अब बहुत लेट पार्टी में ज्वाइन करने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार फिर रिवर्सल जाते हैं, बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, तो हम वेट कर सकते हैं। और अगर कोई पुलबैक मिलता है और ये जो गैप एरिया है दोस्तों, इस गैप एरिया से कोई अच्छी कैंडल दिखती है तो वापस से ये और बुलिश होता हुआ हम इसको देख सकते हैं एक्सिस बैंक को। दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट, एक्सिस बैंक। और जो दूसरा एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज में वापस उसमें भी एक अच्छा मूव आ सकता है, वो है रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लेते हैं। ओके गाइस, तो ये ओवरऑल आप देखोगे तो रिलायंस का डेली का ये चार्ट है, और इसमें अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं फिलहाल लोअर हाईज और लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। बट देन द गुड पार्ट क्या है कि जो नीचे सपोर्ट्स एरिया है वो काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ऑफकोर्स ये आप अगर देखोगे तो ये उस पैटर्न टाइप का ब्रेकआउट भी था और वापस से अंदर आया, तो ये इस टाइप के प्राइजेक्शन मैनिपुलेशन मार्केट में चलते रहते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन।
सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो इस स्ट्रक्चर के जो ऊपर के लेवल से 25-40 के आसपास हम स्टॉक को भी आता हुआ देख सकते हैं। अगर कोई करेक्टिव मूव मिलता है, कोई एक पुल बैक मिलता है और फिर उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये प्राइस एक्शन से सजेस्ट करता है कि यहाँ से फिर ये एक इस टाइप से डिप लेके ऊपर जाएगा। और ये फिलहाल जो इस पैटर्न के अंदर इसके टॉप रेंज की बात करें जो 25-40 to 50 के बीच में, यहाँ तक हम कमिंग वीक में या उसके बाद वाले वीक में भी आता हुआ देख सकते हैं। सो दिस इज वन एनालिसिस यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। और फिर दूसरी एक एनालिसिस है टाटा मोटर्स में। गाइस काफ़ी लोगों को पसंद भी है टाटा मोटर्स का स्टॉक। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो एक्चुअली पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट करने के लिए एक अच्छी जगह पे ऐसा दिख रहा है फिलहाल चार्ट पे, क्योंकि बहुत टाइम से ये सपोर्ट जोन इसको होल्ड कर रहा है। ये डेली का चार्ट है टाटा मोटर्स का, तो आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन होल्ड कर रहा है काफ़ी टाइम से। और इधर आप देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा कंसोलिडेशन है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो ये भी लोअर टाइम फ्रेम पे एज अ सपोर्ट एरिया जो ऑलमोस्ट ये 390 से लेके 395 इसके बीच में जो ये एरिया एज अ सपोर्ट एरिया वर्क कर रहा है। तो यू कैन जस्ट कीप इट इन योर वॉच लिस्ट कि अगर कभी भी ये स्टॉक अगर ये उसके जो ये कंसोलिडेशन एरिया है जो कि ये 417 से लेके 395 ऐसा हम समझ सकते हैं, अगर एक बार 420 इसने क्रॉस कर लिया ये स्टॉक ने, तो फिर इस स्टॉक में भी बुलिश मोमेंटम चालू हो जाएगा। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। जब भी ये रेंज इस टाइप से ब्रेकआउट होगी ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव स्टार्ट हो जाएगा, सो उस वक्त एनालिसिस आप लोग को काम आएगी। और लास्ट वीक हमने जैसे एक स्टॉक शेयर किया था GNFC, मैंने आप लोग के साथ लास्ट वीक भी शेयर किया था, तो उसमें आप देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा मूव तो ऑलरेडी आ ही चुका है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मूव ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जब से GNFC की बात करना शुरू की है तब ऑलमोस्ट वहाँ से 10% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। बट देन मेरा ऐसा मानना है कि और यहाँ से 10% का मूव भी आना कोई बड़ी बात नहीं है, और कमिंग डेज में हम इस स्टॉक में भी और 5 to 10% का मूव कमिंग वीक में या दो वीक में, मतलब 10 दिन के अंदर 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि और 5 to 10% का मूव इस स्टॉक में आता हुआ देख सकते हैं। इसके पीछे एनालिसिस क्या रहेगी, तो इसके पीछे एनालिसिस ऐसी रहेगी कि ये जो आप एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है, ये होल्ड नहीं होने वाली है। इस बार जब ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर आएगा तो ये इसको ब्रेक करके निकल जाएगा, फिर उसके आगे के पैटर्न्स कैसे डेवलप हो सकते हैं, क्या एनालिसिस आ सकती है, वो हम बाद में एनालिस करेंगे। फिलहाल तो ये पैटर्न एक बार ब्रेक हो जाने वाला है और मेरा ऐसा मानना है कि 800 मिनिमम टच करने वाला है GNFC। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट, ये भी एक अच्छी एनालिसिस है गाइस। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीक्स एनालिसिस, वैसे भी एक छोटा वीक रहेगा। सो And before closing the video, I would like to give a shout out to Mstock for sponsoring this video. Mstock is a broking firm by Mirai Asset, guys. इसमें आप एक बार 999 plus GST pay करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको ब्रोकरेज फ्री हो जाती है, आपको एक भी रुपये ब्रोकरेज नहीं पे करनी पड़ती है उसके बाद। और अगर 999 plus GST एक्स्ट्रा पे करते हो तो AMC भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1998 प्लस GST अगर आप पे कर देते हो एक बार तो AMC और ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाती है। सो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेट पे अवेलेबल है गाइस। सो यू कैन गो एंड विजिट दिस वेबसाइट Mstock अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करते हो, एक्टिव ट्रेडर हो, तो ऑफकोर्स दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ सेविंग्स टू यू गाइस। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो फॉर टुडे। आई होप वीडियो मजा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर प्रेस करना दोस्तों। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए। टेक केयर, सी या। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.